नमस्कार दोस्तों, पुस्तक समीक्षा के आज के इस विशेष अंक में हम बात करेंगे कविताओं की एक बहुत ही नाजुक सी खिलखिलाती हुई किताब पर। किताब का नाम है फूल की जिद। और दोस्तों, डॉक्टर मंजू गुप्ता की ये पुस्तक बहुत से मायने में विशेष है। इस किताब में डॉक्टर मंजू गुप्ता प्रकृति से जुड़ने की बात कहती हैं। फूलों की तरह हस्ती खिलखिलाती हुई कविताओं की इस पुस्तक में जहाँ प्रकृति से जुड़ने का संदेश है, वहाँ बड़ी बारीकी से ईश्वर की चित्रकारी को, नक्काशी को कविताओं के माध्यम से तराशा गया है। ये सच है कि ईश्वर जब कोई भी रचना करता है तो हर रचना अपने आप से अलग होती है, अलग तरह की बात करती है, अलग तरह के रंग से रंगी होती है। प्रकृति भी ऐसे ही रंगों से संजो करके, ऐसे ही रंगों को अपने आसपास बिखेर करके हमें कोई ना कोई संदेश देती है। डॉक्टर मंजू गुप्ता अपनी कविताओं में कुछ इसी तरह की बात करती हैं। उनकी कविताएं जहां फूलों के करीब जाकर के उनसे बात करती हैं, वहीं दूसरी तरफ ये कविताएं हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो हमारी चिर परिचित दुनिया है, जिसमें हम सब रहते हैं, लेकिन शायद उससे जुड़ने की बात या उनको बारीकी से देखने की बात या कविताओं के माध्यम से उसका चित्रण करने की बात डॉक्टर मंजू गुप्ता जैसी सशक्त कवयित्री ही कर सकती हैं। डॉक्टर मंजू गुप्ता की सभी किताबें और उनकी अधिकतर कविताएं प्रकृति से जुड़ी होती हैं। फूलों की इस कवयित्री को इस पुस्तक के माध्यम से सब जगह जाना गया था। और हालांकि ये किताब 2015 में छपी थी, पर अभी भी लोग इस बारे में बात करते हैं, इसकी कविताएं अपने दोस्तों को लिख करके भेजते हैं और इसको पढ़ते हैं। तो मुझे लगा कि मुझे भी इस कविता संग्रह पर बात करनी चाहिए। और इस किताब पर हम जो है कभी भी किसी भी समय इनकी कविताओं को पढ़ के उनकी तरह महकता हुआ महसूस कर सकते हैं, उनकी तरह खिलखिला सकते हैं। तो एक छोटी सी इसमें से कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूँगी जो मैं कल पढ़ रही थी। तो मुझे लगा कि ये चीज़ें जो हैं हमेशा हमारे साथ चलती हैं, जीवन भर हमारे साथ मुस्कुराती हैं। कि मैंने उसे दिया एक अधखिला लाल गुलाब और बिना कुछ कहे आंखों ही आंखों में मुस्कुराई। फूल ले वह हंस दिया और चुपचाप उसने मुझे बांध लिया अपनी बाहों में। न मैंने कुछ कहा न उसने, कहने सुनने का सारा काम फूल ने ही कर दिया। अब देखिए, इतनी चित्रात्मक कविता है कि मुझे लगता है कि जब हम किसी को फूल के माध्यम से आमंत्रण देते हैं, अपने दिल की बात उस तक पहुंचाते हैं, तो शायद हम इतनी बारीकी से ये बात नहीं कह पाते जो बात कविता कह पाती है। फिल्मों में इस तरह के बहुत से चित्रांकन किए गए हैं जहां फूल के माध्यम से आंखों ही आंखों से बात दूसरे तक पहुंच जाती है। और ये छोटी सी पंक्तियां कितनी गहरी बात कितनी आसानी से कह जाती हैं, ये कलम की ताकत मंजू गुप्ता जी में ही है, इनकी कविताओं में है। और एक देखिए कि एक छोटी सी कविता और पढ़ती हूँ कि आज किताबें पलटते ही अचानक वह पृष्ठ खिला, आज किताब पलटते ही अचानक वह पृष्ठ खुला, जहां तुम्हारा दिया वह पुराना फूल रखा था। सूखे फूल के साथ याद आई ढेर सारी मुलाकातें, प्यार भरी मीठी मीठी बातें, कच्ची उम्र में तन्हाई में किए अंबियों से खट्टे मीठे वादे, अनूठे सुनहले पल। एक सखा फूल पल भर में दोहरा गया सारा इतिहास, एक सूखा फूल पल भर में दोहरा गया सारा इतिहास। बिन बोले कितना कुछ कह गया, बिन बोले कितना कुछ कह गया। ये कविताएं भी बिन बोले बहुत कुछ कह जाती हैं। और जब ये बोलती हैं तो ऐसा लगता है
कि पेड़ पौधे पक्षी हमसे बातें कर रहे हैं। मंजू जी अकेले में ही इन प्रकृति के साथ बहुत कुछ गुनगुनाती हुई कोई ना कोई संदेश हमें दे जाती हैं कि नन्ना सा फूल बिन बोले उल्लास जगा, कह देता है कितना कुछ। और हम बड़ बोले बजते ही रहते हैं दिन रात खाली गागर से टन टनाटन मियां मिट्ठूपन, खुद अपनी ही तारीफ में लिखते हैं कसीदे। तो इसको सुनने के बाद मुझे लगता है कि आगे की बात पंचू जी के बारे में कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये समीक्षा मैं किसी कसीदे को पढ़ने के लिए नहीं कर रही, बल्कि एक सीधी सच्ची लेखनी के माध्यम से किस तरह से मंजू गुप्ता जी हमारे दिलों तक पहुंचती हैं और किस तरह से खिलखिलाती हुई कविताएं हमें गुनगुनाती भी हैं, हमारे साथ मुस्कुराती भी हैं और बहुत से रंग हमारे बीच बिखेरती हैं। और रंगों की बात चली है तो एक बहुत बहुत छोटी सी चार लाइनों की एक छोटी सी कविता है कि आदमी निर्गंध कैक्टस। बात देखिए, कटाक्ष देखिए कि आदमी निर्गंध कैक्टस, दुनिया कंक्रीट का गमला, फूलों ने फिर भी खिलना नहीं छोड़ा। फिर से पढ़ती हूं कि आदमी निर्गंध कैक्टस, दुनिया कंक्रीट का गमला, फूलों ने फिर भी खिलना नहीं छोड़ा। कितना मासूम सा, कितना सशक्त सा, कितना सीधा ये संदेश इस कविता के माध्यम से कि हमें अपनी प्रकृति, अपना स्वभाव बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। और मंजू जी की प्रकृति से जुड़ी ये कविताएं उनके स्वभाव को बताती हैं, ये बताती हैं कि वो किस तरह से प्रकृति से जुड़ी हैं। उन्होंने भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा और अपनी हर कविता में, हर पुस्तक में उन्होंने प्रकृति की बात की है। तो दोस्तों, ये कविताओं की पुस्तक जो है बहुत ही प्यारी सी पुस्तक है, फूल की जिद, लेखिका है डॉक्टर मंजू गुप्ता। और ये पुस्तक जो है ये एक बहुत ही सुंदर कलेवर में है और इसकी जो प्रकाशन वर्ष तो 2015 का है, मेधा बुक्स शाहदरा से ये छपी है, आप वहां से इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। तो मैं इतना ही कहूंगी कि इस पुस्तक की हर कविता, हर बात प्रकृति से जुड़ के हमारे दिलों तक पहुंचती है और हमें प्रकृति से जोड़ती है और साथ ही साथ बहुत से संदेश देती है कि जीवन में हमारा व्यवहार, हमारे आसपास का वातावरण और हमारी मन, तीनों को विशुद्ध रूप से शुद्ध रह करके जीना आना चाहिए। आज की इस समीक्षा में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ और उस किताब के साथ जो मेरे दिल के करीब होगी, जिसे मैं पसंद करती हूँ और जिस पर बात करना और आप तक पहुँचाना मुझे अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर मेरी बातें और मंजू जी की कविताएं और पुस्तक से जुड़ी मेरी समीक्षा आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ना भी पसंद आई हो तो अपनी उस बात को यहाँ पर रखें। और अगर अच्छा लगे या ना भी अच्छा लगे तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे देखते रहें ऐसे ही कई मुद्दे, कई बातें, कई कविताओं से जुड़ी, कहानियों से जुड़ी साहित्यिक चर्चा मेरे इस चैनल पर। नमस्कार।